اللهم صل على محمد وآل محمد. अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कितना खूबसूरत रोज़ा है, सफ़ीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा अतहर जिसकी आप ज़ियारत कर रहे हैं। यकीनन गुंबस को देखते ही एक सुकून सा महसूस होता है। लाखों दुरूद व सलाम हो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस सफ़ीर पर, इस अब्बास अलमदार हुसैन के अब्बास पर सलाम। अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलाम, मदद, मैं आपके साथ शाकिर अली नशवी इस वक्त मौजूद हूँ मस्जिद कूफा के वहाँ पर, मस्जिद कूफा में जहाँ पर सफ़ीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकाम है, उनका रोज़ा है, उनकी कब्र मुबारक है, उनके रोज़े की ज़ियारत करें। बहुत सारी दुआएँ और सारी ज़ियारत कोशिश करता हूँ मैं चैनल आपको कराने के लिए, सफ़ीर इमाम हुसैन की और हानिब ने उरवा की और मुख्तार सकफ़ी, इनके तीनों आपको ज़ियारत कराना चाहता हूँ। मेरी बातों पर गौर कीजिएगा, बड़ा सुकून आएगा और बड़ा मज़ा आएगा, और मैं कुछ बताना जा रहा हूँ आज आपको, जो इंशाल्लाह मेरा साथ दीजिए। और जिस मोमिन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर उनको सब्सक्राइब कराएं, और ताकि मेरे तमाम आने वाली आपको वीडियो मिल सके। ये मस्जिद कूफा की हद अंदर बाबे अश्तर, और अश्तर ऊँट को कहा जाता है, और ये है सफ़ीर इमाम हुसैन का रोज़ा है अतहर, उनकी ज़रिया अकदस। मुख्तसर वीडियो की ज़्यारत भी करते जाएँ, देखते भी जाएँ, मुझे दुआ भी दें। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सफ़ीर इमाम हुसैन के बारे में एक खूबसूरत बात, और जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। चलें सलाम करें पहले तो इंशाल्लाह। कितना खूबसूरत रोज़ा है सफ़ीर इमाम हुसैन। आपने अपनी ज़िंदगी में सुकून से ज़्यारत करें तो फिर मैं आपको कुछ हिस्ट्री और कुछ बातें बताना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह तो कहें, इतनी खामोशी से देख रहे हैं, ज़बान से कह दें सुभान अल्लाह माशाल्लाह, मैं सदके जाऊँ। ओए ओए ओए, दिल थाम को ये ज़्यारत करें, दिल थाम को, एक एक मंज़र देखें, सुकून से देख के जाएँ। मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ आज। सफ़ीर इमाम हुसैन आपको बाबुल हवाइज कहा जाता है। इराक में चार बाबुल हवाइज हैं, जनाब अब्बास अलमदार, मुस्लिम नकील, अली असगर अलैहिम सलाम और इमाम मूसा कासिम अलैहि सलाम। बाबुल हवाइज क्या होता है शाकिर भाई? बाबुल हवाइज उसे कहा जाता है कि जिसके रोज़े पर कब्र पे खड़े होके कोई दुआ मांगी जाए तो रद्द नहीं होती। सफ़ीर इमाम हुसैन की मकाम क्या है, मंजिल क्या है? जी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपकी विलादत हुई मुस्लिम नकील की, आप कौन हैं पहले ये बताएं। ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बड़े भाई हज़रत अकील, उनके फ़र्जंद हैं जनाब मुस्लिम, और मौला हुसैन के कज़न हैं, चचाजाद भाई हैं। और जब आपकी पैदाइश हुई थी तो रसूल खुदा ने हाथों पे उठा के मौला अली अलैहिस्सलाम को मुखातिब होकर कहा, ए अली तुम जानते हो ये मुस्लिम कौन हैं? कहा यबन आप या रसूल अल्लाह बताएं। कहा ये वो शख्स है, ये वो शख्सियत है, ये वो बच्चा है जो मेरे नवासे हुसैन, मेरे लगते जिगर हुसैन के ऊपर सबसे पहले कुर्बान हो जाएगा, सबसे पहले मेरे हुसैन के ऊपर अपने आप को कुर्बान करेगा, ये मेरा मुस्लिम मेरा बेटा है। आपने प्यार देना शुरू कर दिया, ये मुस्लिम नकील की फजीलत। और इनके रोज़े पे कोई भी दुआ की जाए रद्द नहीं है। इराक की सरज़मीन में कहा जाता है कि जिसकी दुआ मौला अब्बास के रोज़े पे कबूल ना हो मौला मुस्लिम नकील के रोज़े पर आए। और आपको मालूम है, आपने तो हमेशा मौला गाजी अब्बास के फ़ज़ाइल सुने हैं इतने बड़े। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मौला हुसैन के पास दो अब्बास थे, एक अब्बास कूफा की तरफ भेजा और एक अब्बास अपने पास रखा। और जिस तरह मौला अब्बास की ताकत थी, इसी तरह कहा जाता है अरब की सरज़मीन मुस्लिम नकील मशहूर थे, वही ताकत रखते थे। और मुस्लिम नकील के लिए कहा जाता है कि इतनी ताकत रखते थे कि हज़ारों, आपने जंग में सुना होगा आपकी शहादत पे, जब यहाँ पर उबैदुल्लाह को कहकर 10,000 फौजी मंगाए गए, 1,000 फौजी मंगाए गए, वासले जहनम करते गए करते गए। और फिर इब्ने उबैद ने कहा ये एक शख्स के लिए 10,000 फौज 1,000 फौज क्या करेंगे? कहा ये हाशमी है, मुस्लिम है, ये दूसरा अब्बास है। तो फिर खड्डे में गिरा कर और ये कहकर आपको कि हम आपको सिर्फ गिरफ़्तार करेंगे मारेंगे नहीं। तो फिर ये उनका रोज़ा है
जिसे बाबुल हवाज अमीर मुस्लिम नकील। शाकिर आप कहते हैं अमीर? हाँ जी अमीर, क्यों कहते हैं अमीर? इसके लिए सफ़ीर इमाम हुसैन को अमीर कहा जाता है कि जब आपको गिरफ़्तार करके उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के सामने लाया गया तो फिर इन जो यहाँ पर सिपाही थे उबैद के, लानत हो अल्लाह की उनके ऊपर, कहा कि ये सामने अमीर बैठा हुआ है जो यजीद की तरफ से यहाँ पर गवर्नर हैं, तो इसे सलाम करो हमारे अमीर को। तो जनाब मुस्लिम नकील ने कहा, मदीना और मक्का की तरफ इशारा करके कहा, अगर कायनात में कोई अमीर है तो फ़कत वो हुसैन इब्ने अली है। मैं हुसैन के अलावा किसे अमीर नहीं मानता, मैं हुसैन के अलावा किसी को भी अमीर नहीं मानता। जब ये बात मौला हुसैन को शहादत के बाद पता चली, आपने हाथ उठाए और कहा, खुदाया दरबारे यजीदियत में मेरा भाई, उसने मुझे अमीर कहा है, मैं दुआ करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ, ए शियो मेरे चाहने वालों, कभी भी मुस्लिम नकील को नाम लो तो उसे अमीर कहकर पुकारा करो। तो जिसकी वजह से आपको अमीर मुस्लिम नकील कहा जाता है। जब आप मौला हुसैन की तरफ यहाँ पर आए देखने के लिए कि मुसलमान जो दावेदार हैं वो सच्चे हैं या झूठे, कहा जाता है मुसलमानों ने नहीं, शियों ने उनको बुलाया। मैं सवाल उनसे करता चाहता हूँ, जनाब मुस्लिम नकील गवाह हैं इस चीज़ के, अगर मुझे कोई भी मुसलमान, अगर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम इस वक्त आते और उनके ऊपर मुसीबत होती तो क्या शिया ही उनको कहते कि आप हमारे पास आएँ, हम आपकी जो है बैयत करेंगे, आपको बुलाएँगे? नहीं। क्या आप भी जानते हैं कि नवासे रसूल के बारे में, कि मौला हुसैन के बारे में, कि रसूल खुदा ने क्या कहा, हुसैन जिससे राज़ी उससे मैं और खुदा राज़ी, जिनसे ये नाराज उनसे, इनको तकलीफ़ देने वाला खुदा और मुझे तकलीफ़ देने वाला, हुसैन मिन्नी व ना मिनल हुसैन, ये फ़ज़ाइल जी हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार। जब इतनी फजीलतें हुसैन इमाम अलैहिस्सलाम के लिए, जब आप मुसीबत में थे तो सारे मुसलमानों ने ख़त लिखे, तो फिर क्यों कहा जाता है कि ये शिया? हम मुसलमानों से कहेंगे कि वो मुसलमान जो कहते हैं शियों ने कहा, उस वक़्त तुम मुसलमान किधर थे, तुम्हारे बाप दादा जो थे या ख़त्म मर गए थे? नहीं, सब मुसलमानों ने ख़त लिखे थे जो भी, क्योंकि मौला हुसैन से सिर्फ शिया थोड़ी मोहब्बत करते हैं। फिर शिया कौन? शिया एक रहा था उन मुसलमानों, उबैदुल्लाह ने 40,000 मुसलमानों को शियों को गिरफ़्तार करके जिंदान में डाला था। शिया कौन है, मुसलमान कौन है, ये तो बताएं जाकिर भाई। एक ही बात है, बात सिर्फ यह है कि जो अली वलीलाह और अपने रसूल खुदा के बाद बग़ैर किसी फासले के इमाम अली अलैहिस्सलाम मौला हसन और मौला हुसैन को जानशीन रसूल खुदा मानते, उसे शिया कहा जाता है। तो हानी इब्ने उरवा एक ही वो तन्हा था जिन्होंने मौला हुसैन के सफ़ीर को पनाह दी और मोहब्बत का इज़हार किया और शहीद हुए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इल्ज़ाम लगाया जाता है मुसलमानों को, लड़ाया जाता है ये बातें के कर, दिलों को अजियत दिया जाता है कि शियों ने मौला हुसैन के सफ़ीर को कत्ल किया और ये क्या बोला। तो फिर मैं ये कहूँगा, तुम्हारे बाप और अजदाद किधर थे? करबला में तो दो नमाज हुई थी ना, एक मौला हुसैन वाली जो मौला हुसैन पढ़ रहे थे और दूसरे यजीदियत वाले वो भी पढ़ रहे थे। तो फिर जो मौला हुसैन के साथ थे वो अपने आप को कहते हम शिया ने हुसैन है, हम शिया ने अली इब्ने अबी तालिब है। तो बहरहाल मैं आपको ज़ियारत कराना चाहता हूँ, इन मसाइल की तरफ मुतवज्जे इसके लिए करा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि इनको छोड़ देने वाले अल्लाह की लानत हो उनके ऊपर कि जिन्होंने सफ़ीर इमाम हुसैन को तन्हा छोड़ दिया और मुख्तार सकफी की ज़ियारत भी करें। यहाँ पर मुख्तार सकफी मुख्तार सकफ़ी जिसके बारे में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम जब खून के आंसू रोते थे तो उस वक़्त एक ऐसा दिन आया जब मुख्तार ने उमर इब्ने साद का सर कलम करके, शिमर का सर कलम करके आपके कदमों में ढाला, तो उस वक़्त मौला सज्जाद ने अपनी आँखों को बोझ के कहा, मुख्तार अल्लाह तुमसे राज़ी हो, मेरे नबी रसूल अल्लाह मेरे नाना तुमसे राज़ी रहें। ए मुख्तार तुमने हमारे कलेजे को ठंडा किया। आप मुस्कुराए और फौरन एक जुमला कहा, मुख्तार ए मुख्तार हुरमला का सर कब लाओगे, शिमर का सर काट के लाओगे? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। यह मुख्तार सकफ़ी सलाम करें, लाखों दुरूद व सलाम हो मुख्तार सकफ़ी पर, इतनी बड़ी हजमत है। ये सारी ज़ियारत करवा रहा हूँ, देखिए मुझे दुआ दें, लोगों से गुजारिश है को आगे शेयर करें और तमाम ज़ियारात
मुख्तार सकफी के बारे में कहा जाता है इन्होंने नबी होने का दावा किया। शाकिर भाई ये क्या है, खुदा की लानत हो जो ये जुमला सोचे भी, इस पर ये तोहमत लगाई जाती है जनाब, क्योंकि इन्होंने अहलबैत को राज़ी किया, खुश किया, इतना बेहतरीन काम किया, अब इनकी इतनी इज्जत हो गई, बुलंद रुतबा हो गया। इमाम सज्जाद ने कहा उम्मत में मेरी दुआ है कोई भी तो आपके दर्जे पे नहीं पहुँचेगा मुख्तार जिस दर्जे पे आप, बहुत बड़ी दुआ है इनके ज़ियारतनामे में। और इनसे हसद रखने वाले जो लोग थे, अब जनाब मुख्तार को किस तरह उनको उनका नाम ख़राब किया जाए, जो आपको पता है आपके माशरे में जब ज़्यादा इज़्ज़त किसी को मिलती है तो फिर लोग उसके ऊपर तोहमत लगाते हैं। जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम को इतनी अल्लाह ने इज़्ज़त दी, मौला अली अलैहिस्सलाम को शाम में ये मशहूर किया गया था हज़रत अली काफिर थे, नऊज़ बिल्लाह ये थे, तो फिर जब आपकी शहादत हुई तो शामियों ने कहा था हज़रत अली का अली मस्जिद में क्या कर रहा था, ये वर्गलाया गया। जनाब मुख्तार ने इतना अच्छा काम किया, अब इनके ऊपर तोहमत ही लगाई जा सकती, वो कौन तो इसके ऊपर तोहमत लगाई कि इन्होंने नबी होने का दावा किया, हमने ये किया ताकि लोगों के दिलों में, मुसलमानों के दिलों में इनकी एहतराम ना रहे और पता ना चले कि कातलान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मुख्तार ने कैसे कैसे ढूंढ ढूंढ के मारा और किस तरह अहलबैत को राज़ी किया। बहुत बड़ा मकाम है जनाब मुख्तार का, ये सारी तोहमतें लगाई जाती हैं जनाब मुख्तार पर, मगर हम शिया ने हैदर कर्रार कहेंगे मुख्तार जिंदाबाद, मुख्तार जिंदाबाद, मुख्तार जिंदाबाद, हम तो यही कहेंगे, चाहे हमारे सर काटे जाएं, गर्दन उड़ाई जाएं, हमने तो यही नारा लगाना है। आप सब मिलके उनकी जरी पर ये आवाज़ दें, देखें ना मुख्तार, जनाब मुख्तार के कब्र पे गोल्ड का ताज पड़ा है, मैं भी इंशाल्लाह बहुत जल्द गोल्ड का ताज इनको दूंगा, पेश करूंगा। आप कहें मुख्तार जिंदाबाद, मुख्तार जिंदाबाद। मुख्तार जिंदाबाद, मुख्तार, मुख्तार जिंदाबाद, मुख्तार। चलें हानी बनी और जल्द जल्दी से आपको लेके चलता हूँ। सफ़ीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एक रात की पनाह के बदले में अल्लाह ने और सफ़ीर इमाम हुसैन ने ये फजीलत अता की, जनाब हानी इब्ने उरवा जो रसूल खुदा के सहाबी थे, उबैदुल्लाह ने ऐलान किया कि कोई भी सफ़ीर इमाम हुसैन मुस्लिम वकील को अपने घर में जगह नहीं देगा, सारे कूफियों ने अपने दरवाज़े मुसलमानों ने बंद कर दिए। फिर क्या हुआ कि एक ही मौला हुसैन का चाहने वाला शिया ने हैदर कर्रार अपना दर खोल के कहा कभी भी नहीं हो सकता कि रसूल अल्लाह की औलाद के लिए, अहलबैत के लिए हमारा दर बंद हो, दरवाज़ा बंद हो, नहीं हो सकता। ये सफ़ीर इमाम हुसैन हमारा घर हाज़िर, आप लेके गए। उबैदुल्लाह ने हानी इब्ने उरवा को अपने पास बुलाया और नऊज़ बिल्लाह मौला अली और मौला हुसैन की तोहीन की, तो आपने थूक दिया उबैदुल्लाह के मुँह पर, और इस जुर्म में आपको फिर ये मौला हुसैन को गाली दी, तो आपने उबैदुल्लाह के मुंह पे थूक मारी और फिर आपको उबैदुल्लाह मलऊन ने शहीद कराया। ये देखिए आप, अल्लाह अकबर। और जिस तरह का रोज़ा मुस्लिम नकील का है, एक रात की पनाह दी मुस्लिम नकील को हानी इब्ने उरवा ने, जनाब मुस्लिम ने क़यामत तक की पनाह दी हुई है हानी इब्ने उरवा को, एक रात के बदले जिस तरह उनका रोज़ा सोने का चांदी का, इसी तरह इनका भी रोज़ा सोना और चांदी का। सलाम करें जाने हानी अपने और वहाँ पर। हम कहते हैं ना हर वक्त हम अहलबैत के गुलामों के गुलाम, तो ये अहलबैत का गुलाम आपके सामने जनाब हानी इब्ने उरवा। तो हम जनाब हानी इब्ने उरवा के गुलाम हैं क्योंकि ये हमारे अहलबैत का गुलाम है। लाखों दुरूद व सलाम हो जनाब हानी इब्ने उरवा पर। मुझे दुआ दीजिएगा, इतनी खूबसूरत ज़ियारत करवा रहा हूँ, इतना खूबसूरत मंजर दिखा रहा हूँ, मेरा हक बनता है कि इस वीडियो को शेयर किया जाए, मुझे दुआ दी जाए। अल्लाह आप सबको इन तमाम मकामात की ज़्यारत। मैं आपके साथ शाकिर अली नजफ़ी, चलते हैं मस्जिद कूफा के अमाल की ज़्यारत और उनकी वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दें ताकि आप ज़्यारत कर सकें। ठीक है जी, लबैक या हुसैन, जिसका दिल दुख ना आए दुख जाए, हम तो सच बोलेंगे, हम सच बोलेंगे, हम तो सच बोलेंगे। मुसलमानों को लड़ाने वाले फसाद की बातें करते हैं, हम सीधी बातें करते हैं, हमने कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं करनी। चलें जी,
एक मरतबा और सफ़ीर इमाम हुसैन की ज़्यारत करें। इतना खूबसूरत सहन देखें, मीनार देखें इनके ऊपर खूबसूरत डिज़ाइन में, और मुझे दुआ देते जाएं। हाँ मुख्तार जिंदाबाद, जिसने आखिर तक वीडियो देखी है वो कहे मुख्तार जिंदाबाद। लबे क्या उसे।